दोस्तों सब्सक्राइब करें और पाएं राजू दीक्षित जी की वीडियो। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं वो कैसे, हमारे पास गाड़ी है क्या, एयर कंडीशनर है क्या, बड़ा बंगला है क्या, अच्छा बैंक बैलेंस है क्या, कोटि कोटि रुपए हैं क्या, पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या, आदि आदि। ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन भागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना, बंगला होना, एसी होना, कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। ये सुविधाएं तो हैं, गाड़ी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले। एसी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले। बहुत बड़ा बंगला होना यह सुविधा की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, मरीजों को जानता हूं जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। उनके घर में एक एक गाड़ी एक एक लाख रुपए की है, गाड़ी एक एक लाख रुपए की है, और वो मुझसे दवा मांगते हैं नींद आने की कि राजीव भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आ जाए। तो मैं कहता हूं एक लाख की गाड़ी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती, रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, 2 बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियां खाते हैं, 1 से नींद नहीं आती तो 2 खाते हैं, 2 से नहीं आती 3 खाते हैं, 3 से नहीं आती तो 4 भी खाते हैं। फिर कहते हैं सवेरे 3 बज जाते हैं तब थोड़ी देर के लिए नींद आती है। 1 लाख रुपए की गाड़ी है एक, और वो जापान से लाई हुई है, नींद नहीं आती। तो वो जो 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो सुविधा तो है, लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है। उससे अच्छा ये है कि किसी के पास 1 लाख की भी गाड़ी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर सो जाता है, लेकिन रात भर उसको 7 घंटे अच्छी झोप होती है तो उसको सुख है, उसके पास सुविधा नहीं लेकिन सुख है, अच्छी झोप का, नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मनके का त्रास इतना जबरदस्त है कि रात दिन परेशान रहते हैं। अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मनके का त्रास जाता नहीं है। तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्यादा अच्छा, मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कम से कम पीठ पर 100-100 किलो वजन के दिन भर में 50-60 बोरे इधर से उधर ले जाके रखते हैं। उनको कोई मनके का त्रास नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है। बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है। तो हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि सुविधाएं बहुत हों घर में, जरूरी नहीं है कि सुख आ जाए। सुख आएगा तब जब आप निरोगी होंगे, तब आपके शरीर को कोई त्रास नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं, मन में, तन में, शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, सब तरफ से निर्मल और निरामय जीवन है। भले आपके पास पैसा ना हो तो आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, ये आयुर्वेद की परिभाषा है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप जीवन भर निरोगी होंगे, ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से।
और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां, भूल या चूक जो माफ कर दें या उनको ठीक कर लें या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे।